नमस्कार, मैं अजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान की दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन दोनों सीटों पर समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में 7-7 लोगों को शामिल किया गया है और आगामी दिनों में वल्लभ नगर और धरियावद सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वल्लभ नगर सीट के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जबकि धरियावद सीट के लिए प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। गौरतलब है कि वल्लभ नगर सीट विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से रिक्त हुई थी, जबकि धरियावद सीट विधायक गौतम लाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। दोनों ही विधायकों का कोरोना के चलते निधन हुआ था। वल्लभ नगर के लिए कमेटी में ये लोग हैं शामिल, देख लीजिए। वल्लभ नगर विधानसभा सीट उदयपुर जिले में है। यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में इस सीट के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना शामिल है। वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और गणेश गोगरा, विधायक और पूर्व मंत्री दयाराम परमार, विधायक और पीसीसी सचिव लाखन सिंह मीणा के साथ ही पूर्व विधायक पुष्कर डांगी भी समिति में शामिल है। यह सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। धरियावद विधानसभा सीट प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। कमेटी में खेल मंत्री अशोक चांदना, पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक रामलाल मीणा, डूंगरपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खुलनिया और बीत निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर शामिल है। इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।